या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो आईएनडीआईए, या तो एनडीए या फिर आईएनडीआईए। तेजस्वी यादव का ये बयान कल से ही बड़ा वायरल हो रहा है और तेजस्वी के इस बयान के कारण पूरे आईएनडीआईए खेमे में हलचल मच गई है, जहां एक तरफ एनडीए इस बयान पर खूब मजे लूट रही है, वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए में टेंशन बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इस बयान में टेंशन लेने जैसी कौन सी बात है, क्यों हो रहा है इतना बवाल, पूरा जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंहानंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के प्रचार में 22 अप्रैल को कटिहार पहुंचे। कोड़ा प्रखंड के सिमरिया में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे और तभी जनता से बात करते करते उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पूरा बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वही बिगड़ गया। सबसे पहले आपको यादव जी का वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात। अब इस बयान को लेकर के बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी के बयान का लोगों ने मतलब कुछ ऐसा निकाला कि या तो आप पूर्णिया में राजद उम्मीदवार बीमा भारती को जिता दीजिए या फिर एनडीए के उम्मीदवार को ही चुन लीजिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं। दरअसल तेजस्वी या तो आईएनडीआईए या तो एनडीए वाले बयान में कह रहे हैं कि या तो आप आईएनडीआईए को चुन रहे हैं या फिर आप एनडीए को चुन रहे हैं। अपने बयान में तेजस्वी ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ आईएनडीआईए बनाम एनडीए ही है, इसमें कोई भी दूसरा खिलाड़ी मौजूद नहीं है। एक बार फिर से बयान सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात। लेकिन राजनीतिक गलियारों में हल्ला ये हुआ कि तेजस्वी बिना नाम लिए फिर से पप्पू यादव पर निशाना साध रहे हैं, जो कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसी बात तेजस्वी और पप्पू के बीच आखिर हो क्यों रही है। तो दरअसल पप्पू यादव ने भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी और तेजस्वी यादव पर कई बार उन्होंने निशाना साधा है। वहीं लालू के प्रति इतने होने के बाद भी आस्था जताते रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे ही बनेंगे और मैं उनका साथ दूंगा, फिर भी मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई है। उनका कहना है कि लालू यादव की विरासत पर आगे चलकर मैं दावा न कर दूं, इसलिए मुझे बांधने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मामला है जहां पर एक बयान तेजस्वी यादव ने अपने जनसभा में दिया, लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिसको कि मिस इंटरप्रेट एक तरीके से कर लिया गया और फिर हलचल ये मच गई कि तेजस्वी यादव बिना नाम लिए पप्पू यादव को कह रहे हैं कि चाहे आप आईएनडीआईए को वोट दे दीजिए या फिर आप एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन आपका वोट पप्पू यादव को नहीं जाना चाहिए। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंघानंद।